झांसी के पास आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। हादसा सियास गांव के पास ही हुआ। कैंटर व बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पति पत्नी व बेटा बाइक पर बन भौरी में माँ दुर्गा की पूजा कर अपने गांव सियास लौट रहे थे, मगर गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये हादसा हो गया। जी बनभौरी लग रहे थे दो कुमारी की देवी की, रास्ते में आते आते वो उधर से आगे टाटा टी पॉइंट हो रहा है, उस पर टाटा आई तो सामने सामने टक्कर हो गई। कितने लोग थे सर? तीन थे जी। बाइक पे सवार थे क्या? हाँ जी। तो कहाँ जा रहे थे? ये बनभौरी से आ रहे थे भिवानी जाने के लिए। भिवानी रोए आएंगे रमन भिवानी। एक तो सुरजमल हो गया जी, एक आसू उसका लड़का। कितनी उम्र थी जिनकी? सुरजमल की थी जी 45-46 साल और लड़के की थी 18 साल। तो मौके पे एक्सपायर हो गए? हाँ जी। वो जो कैंटर चालक था वो भाग गया जी, कैंटर छोड़ के भाग गया। कैंटर तो वहीं है, टायर फट गया कैंटर का 1 किलोमीटर चलने के बाद। तो पुलिस मौके पहुंच गई थी फिर? हाँ पहुंच गई थी पुलिस, की भी हादसे की भी। और तीसरे कौन था जी? जो तीसरी भाभी थी जी हमारी सूरजमल की मिसिज, वो एडमिट है, वो भी सीरियस है। वो कहाँ एडमिट करवा रखी? वो भी तो हंसी है नेकिराम हॉस्पिटल में। आज दिन में कंट्रोल रूम से एक वीटी प्राप्त हुई कि मोट चौक पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो व्यक्ति मारे गए और एक औरत घायल हो गई, जिस पर मैं व साथी मुलाजमान के मौके पर पहुंचा तो दो डेड बॉडी पड़ी थी, एक सूरजमल की जिसकी उम्र 50 वर्ष है और उसका लड़का अंकुश सूरजमल, अंकुश सन ऑफ सूरजमल जिसकी उम्र 17-18 वर्ष है। ये दोनों मौके पर मृत मिले, एक्सीडेंट हुआ। और जो इनकी घरवाली है सूरजमल की, वो ज़्यादा जख्मी थी जिसको एम्बुलेंस वाले हांसी ले या हांसी से आगे रेफर कर दी सारे। ये मोटरसाइकिल पर आ रहे थे इधर मुंडवारी से साइड की तरफ से, और टाटा 407 है जो ये इधर अपना टाटा की तरफ से आ रही थी, चौक पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये अपने सिसाए से अपने वहाँ भिवानी जा रहे थे, भिवानी रहते ही सिसाए इसका भाई है। कैंटर मौके पर खड़ा है जिसको लेकर काबू कर लिया कैंटर को, और जो कैंटर चालक है वो फरार है। कैंटर का नंबर आ गया मौके पर, 43-35-37 मामला दर्ज कर लिया जी, FIR दर्ज कर दी और उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके उपरांत